हेलो चैंपियंस भाई लोग, देखो क्या था। हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग 12 चैप्टर्स कर चुके हैं एनसीईआरटी का, साइंस का, ठीक है। तो आज हम लोग जो है करने वाले हैं 13 चैप्टर, ठीक है, जो कि चैप्टर का नाम देख रहे होगे, फन विथ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है भैया? चुंबक होता है, और चुंबक से हम लोग खेलने वाले हैं, फन करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोलता है आगे, पहेली और बूझो जो हम लोगों का दोस्त बन चुका है, जैसे ही हम लोग बुक पढ़ना चालू किए हैं, उन लोग क्या कर रहा है, पहेली और बूझो जो है एक जगह पर गया है, ठीक है। वेंट अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्टेड मटेरियल्स पाइल्ड इनटू अ ह्यूज हीप, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, कचरा जो था वो भरा हुआ था, और उसके कचरा से डंप किया गया था, तो उस जो कचरा था उससे हीप बन गया था, मतलब कि एक टीला बन गया था, एक हीप मतलब कि ढेर सारा इस पर ऐसे ऐसे कचरा बन गया था जिसका हाइट कुछ हो गया था, उसे ही हीप्स कह रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग, ठीक है, कुछ भैया एक्साइटिंग हो रहा था। क्या हो रहा था? देखो क्रेन जो है एक मूव्स क्रेन जो है एक क्रेन जो है वो मूव्स कर रहा था टुवर्ड्स द हीप ऑफ द जंक, ठीक है, जिधर जंक, जिधर वेस्ट मटेरियल जमा था, उधर जो है क्रेन जो है बढ़ रहा था, ठीक है। अब बढ़ रहा था तो क्रेन का जो लॉन्ग रोड है, जो लॉन्ग हैंड होता है क्रेन का, वो लोअर ब्लॉक में, वो जो क्या करता है, हिप पे जो जंक है, हिप पे उस पर ऐसे धीरे धीरे, ये लोअर हैंक है, अब ये जो जंक के करीब गया तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे कर देता है, ठीक है, लोअर कर देता है। तो जैसे ही लोअर करता है तो क्या करता है, इट बिगेन्स टू मूव, तो गेसेस व्हाट, तो तुम्हीं से पूछ रहा है कि अब जैसे ही लोअर किया तो क्या किया, ठीक है, क्या हुआ होगा बताओ। तो मेनी पीसेस ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट्स मूव्स अवे, ठीक है। तो जैसे ही वहां से फिर वो ऐसे नीचे ला करके उठाया तो वहां पर क्या हुआ कि ढेर सारा उसमें आयरन के पीसेस उसमें जाके चिपकने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो भैया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो देख रहे हो इसमें क्या है, आयरन लगा हुआ है, ठीक है, आयरन है, और इस वेस्ट मटेरियल, ये जो जंक है, इसमें क्या है, ढेर सारा आयरन के पीसेस हैं, आयरन के चीजें हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को अपने उस मैग्नेट से क्या कर रहा है, वो उठा ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग एक फिगर में जो क्या कर रहा है, पिकिंग कर रहा है, मतलब कि चुन रहा है आयरन पीसेस को, कहाँ से, तो भैया वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट के जो कूड़ा कचरा है वहाँ से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दे हैड जस्ट अ रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमीडिएटली दैट वर मस्ट बी मैग्नेट अटैच टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वॉज अ पिकिंग ऑफ द आयरन। तो ऐसा इसका जानकारी इसको कहाँ से मिला कि भैया क्यों ये उठा रहा है, तो उसी वक्त क्या हुआ कि बहुत ही सारा इंटरेस्टिंग किताब पढ़ा, ठीक है, उन्होंने किताब पढ़ा जो उसमें क्या लिखा हुआ था, मैग्नेट्स के बारे में बता था, उसमें बताया गया था, तो मैग्नेट्स के बारे में बताया गया था, तो उन लोग भी अंदाज लगा लिया कि भैया यहाँ पर क्या होना चाहिए, मस्ट बी मैग्नेट अटैच्ड है, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या है, अटैच्ड मैग्नेट अटैच्ड है, जिसके कारण ही जो क्रेन है वो पिकअप करने में, आयरन के चीज़ों को पिकअप करने में सफल हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या अटैच्ड है, मैग्नेट अटैच है, ठीक है। यू माइट हैव बीन सीन मैग्नेट्स एंड द हैव बीन बी इन्जॉयड प्लेड विद द टेम, ठीक है। कह रहा है कि तुम देखे होगे मैग्नेट्स को, देखे होगे चुंबक को, देखे होगे, और उम्मीद करते हैं कि तुम खेले भी होगे, ठीक है। हैव यू सीन स्टिकर दैट रिमेन्स अटैच टू द आयरन सरफेस लाइक अलमीरा और द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। कहता है क्या कुछ तुम स्टिकर्स को देखे हो, कुछ ऐसे स्टिकर्स जो कि अभी भी अटैच्ड होते हैं, मतलब कि लंबे समय तक अटैच्ड होते हैं आयरन के सरफेस पे, जैसे कि अलमीरा पे, या तुम्हारे डोर पे, या तुम्हारे रेफ्रिजरेटर्स के डोर पे, कहीं पर भी, तो इन सम ऑफ पिन होल्डर्स, ठीक है, द पिन सिम्स टू बी, द पिन्स सिम्स टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर, ठीक है। देखो ये स्टिकर्स का बात कर रहा है, ये स्टिकर्स की बात कर रहा है ये चीज़, और टू द कई बोल रहा है पिन होल्स, पिन होल्डर को देखो, पिन होल्डर भी उसी में चिपका रहता है। देखो इस जो पिन होल्डर है इसमें देखो क्या है, पिन होल्डर में बहुत सारा पिन चिपका हुआ है, तो ये सब देखे हो, तो भैया हाँ देखे हैं। तो इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लीड फिट्स टाइटली वेन वी लूज वेन वी क्लूज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट सच अ स्टिकर्स पिन होल्डर्स एंड द पेंसिल बॉक्सेस हैव द मैग्नेट फिट इनसाइडेड, ठीक है, फिटेड इनसाइडेड। उसके बाद कहता है कि पेंसिल बॉक्सेस जो तुम लोग स्कूल में लेकर के जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जब इसको बंद करते होगे तो ये अपने आप इससे अटैच हो जाता है। तो क्या ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है, चुंबक लगा हुआ है, तो जैसे ही हम लोग बंद करते हैं ये आपस में अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो बोलता है फिगर 13.2 को देखो भैया, 13.2 को हम लोग सब देख लिए, सम कॉमन आइटम जो कि हम लोग मैग्नेट उसके अंदर रखता है, यहाँ पर भी देखो मैग्नेट्स है, ठीक है, यहाँ पर भी मैग्नेट्स है, और इस ये जो है रॉड ये भी मैग्नेट है जिसमें आयरन के पिंस जो हैं वो चिपके हुए हैं, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दिस आइटम्स ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दिस, ठीक है, अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई सा भी एक चीज़ है तो एक कोशिश करो कि इसमें जो छिपा हुआ मैग्नेट है उसको देखने की, ठीक है, लोकेट करने की कोशिश करो, ठीक है। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, अब देखो मैग्नेट्स के बारे में
पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेट्स को हम लोग देख लिए कि भैया जो मैग्नेट है वो किसी भी आयरन्स वाले चीज़ों को अपने आप में अट्रैक्ट कर लेता है, अपने आप में चिपका लेता है, ठीक है। लेकिन ये मैग्नेट डिस्कवर्ड कैसे हुआ भैया, मैग्नेट आया कैसे अस्तित्व में, ठीक है, मैग्नेट हम लोग के पहले आया कैसे, मैग्नेट कौन लाया, ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज सेड दैट देयर वॉज अ सेफ हर्ड नेम्ड मैग्नेस, ठीक है, एक सेफर्ड था जिसका नाम था मैग्नेस, ठीक है, जो कि कहाँ पर रहता था, लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस, ठीक है, कहाँ पर रहता था भैया, ग्रीस में रहता था, क्या नाम था, सेफर्ड था, नेम था उसका मैग्नेस, ठीक है, मैग्नेस क्या नाम था, मैग्नेस, ध्यान रहे नाम क्या था, मैग्नेस, ठीक है, मैग्नेस नाम था, जो कि कहाँ का था, ग्रीस का था, ठीक है, कहाँ का था भैया, ग्रीस का था। ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ अ सीप एंड अ गॉस टू द हेयर बी माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग, ठीक है, तो वो क्या बोलता है, ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ अ सीप, ठीक है, जो गॉड्स का नियर बी माउंटेन्स ग्रेजिंग ही वुड, जो उसके गॉड्स और सीप चर रहे होते हैं उसका आवाज़ सुनता है, ठीक है, जो माउंटेन्स मतलब कि उसके आसपास में जो माउंटेन्स थे ना भैया, वहाँ पर चल रहा होता है सीप और गॉड्स, तो उसका आवाज़ सुनता है। ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड, द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ अ आयरन अटैच टू द वन एंड, ठीक है, तो उसके क्या करता है, एक स्टिक लेता है और उससे क्या करता है, उसके आवाज़ को सुनता है, ठीक है, हर्ड करता है, सुनता है और उसको कंट्रोल भी करता है, ठीक है। जो स्टिक होता है क्या होता है, स्मॉल पीस होता है आयरन का जिसमें अटैच होता है एक तरफ में, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, वन डे ही वॉज अ सरप्राइज, एक दिन वो सरप्राइज हो जाता है कि यह फाइंड कर यह उसे क्या मिलता है, दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू द फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड्स, इट सीम्स एज द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्ट बाय द रॉक, ठीक है। उसके बाद वो जो है ये क्या किया, ये एक हाथ में एक जो स्टिक था, छड़ी जो था वो लेते गया एक दिन, ठीक है, और लेते गया तो माउंटेन्स में कुछ इस तरीके का माउंटेन्स था, उसमें क्या देखा कि उसका स्टिक जो है जिसमें एक एंड में मैग्नेट्स लगा हुआ था वो क्या था, चिपकने लगा उसमें। भैया ये कैसे हो रहा है ये बता दो, तो देखो कैसे हो रहा है, द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट, जो रॉक था वो नेचुरल मैग्नेट था, ठीक है, एंड इट अट्रैक्ट द आयरन टिप, और वो क्या करता है, आयरन टिप को अट्रैक्ट कर लिया ऑफ द सीफर्स स्टिक्स को, जो चरवाहा था, ठीक है, उससे। इट इज सेड दैट हिज हाउ द नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, तो यही कारण था कि कैसे नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवर्ड हुआ। तो चरवाहा था भैया, वो स्टिक्स का इस्तेमाल करता था, तो वो सुनने के लिए स्टिक का इस्तेमाल करता था, उन लोगों की आवाज़ को जो चराता था उन लोगों के लिए, उसमें एक दिन मैग्नेट लगा लिया पीछे में, फिर एक दिन जा रहा होता है कहीं पर, तो वहाँ पर जो मैग्नेट्स जो पत्थर होते थे माउंटेन्स में वो क्या करता है, अचानक से उससे अट्रैक्ट कर लेता है, तो डिस्कवर कर लेता है। तो इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर हो गया, ठीक है। सच रॉक्स वर गिवेन द नेम्स मैग्नेटाइट, ठीक है, वैसे रॉक्स को क्या नाम दिया, मैग्नेटाइट्स, ठीक है, वैसे रॉक का नाम क्या दिया भैया, मैग्नेटाइट्स। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट सेफर्ड मैग्नेटाइट्स कंटेन्स आयरन, ठीक है, इसके नाम रखने के बाद जो है मैग्नेटाइट्स क्या रखता है भैया, देखो मैग्नेटाइट क्या रखता है, अपने आप में आयरन रखता है, तभी तो वो चुंबक को अट्रैक्ट कर पाया, तो मैग्नेटाइट में क्या होता है, आयरन होता है। सम पीपल बिलीव दैट द मैग्नेटाइट्स वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड द मैग्नीशिया, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो पहले जो मैग्नेटाइट है वो कहाँ पर डिस्कवर्ड हुआ, कहाँ पर खोजा गया, उसको मैग्नीशिया में खोजा गया, ठीक है, द सब्सटेंस, लेकिन हम लोग क्या पढ़े भैया, ग्रीस में खोजा गया, ठीक है, ग्रीस में खोजा गया, जिसका नाम था मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज ही नाम था ना, क्या नाम था, मैग्नीज, ठीक है, ठीक है। तो द सब्सटांस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ द अट्रैक्टिंग आयरन आर नॉन एज द मैग्नेट, वैसा सब्सटांस जिसके पास ऐसा प्रॉपर्टी हो, ऐसा गुण हो जो दूसरे आयरन सब्सटांस को क्या करते हो, अट्रैक्ट करता हो अपने आप में, उसे क्या कहते हैं भैया, मैग्नेट कहते हैं। वैसा सब्सटांस जिसके पास ये गुण हो, ये प्रॉपर्टी हो, ठीक है, कि अट्रैक्ट कर ले आयरन की चीज़ों को, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज, ठीक है, इस तरीके से स्टोरी चला और क्या हुआ, मैग्नेट का डिस्कवर्ड हुआ। इन एनी केसेस पीपल्स नाउ हैव द डिस्कवर्ड दैट द सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन, अब बहुत सारे केसेस में क्या हुआ, पीपल्स जो था वो डिस्कवर्ड करने लगे कुछ ऐसे ऐसे रॉक्स को, ऐसे ऐसे रॉक्स खोजने लगे जिसमें प्रॉपर्टी था किस चीज़ का, अट्रैक्टिंग करने का, क्या अट्रैक्ट करने का भैया, पीस ऑफ आयरन, मतलब कि आयरन के टुकड़े को अट्रैक्ट करने का क्षमता था। तो दे ऑल्सो फाउंड दैट द स्मॉल पीसेज ऑफ दिस रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी, तो उन्होंने यह पाया कि जो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन है
जो स्पॉट पीसेस ऑफ रॉक्स हैं उसमें भी स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैग्नेट के टाइप का था, ठीक है। दे नेम दिस नेचुरली अक्रिंग मटेरियल्स मैग्नेट, ठीक है। तो वो जो नेचुरली प्रकृतिक से जो मिल रहे थे जो चीज़ें, उसे उन लोगों ने क्या नाम दिया, नेचुरल मैग्नेट का नाम दिया, ठीक है। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम द पीसेज ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड। उसके बाद धीरे धीरे एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया बना जिसमें क्या बनने लगा, मैग्नेट बनने लगा। किससे? तो पीसेस ऑफ आयरन से उन लोगों को क्या बनाने लगे, मैग्नेट्स बनाने लगे। दिस आर नोन एज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। और जो लोग वो लोग बनाना चालू कर दिए तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के नाम पे जानने लगे, ठीक है। नाउडेज आज के दिन में क्या हो रहा है, नाउडेज देखो ये अलग अलग शेप्स के कुछ मैग्नेट्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग शेप्स के कुछ मैग्नेट्स हैं, ठीक है। नाउडेज मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ डिफरेंट शेप। आज के दिनों में क्या हो रहा है कि मैग्नेट्स जो हैं वो अलग अलग शेप्स में बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट, ठीक है। कह रहा है बार मैग्नेट, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ठीक है। इस तरीके के जो मैग्नेट्स थे वो बनने लगे, जैसे कि फिगर 13.4 में देख रहा है भैया, हम लोग देख रहे हैं। शोज अ फ्यू सच मैग्नेट, ठीक है, ये क्या दिखा रहे हैं, कुछ मैग्नेट्स के दिखा रहे हैं शेप्स को, ठीक है। अब कुछ एक्टिविटी नंबर वन हम लोगों को क्या बताना चाह रहा है वो देखते हैं। कहता है टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप, ठीक है, एक प्लास्टिक लो और एक पेपर का कप लो। फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ द क्लैम्प एज सोन इन द फिगर 13.5, ठीक है। एक क्लैम्प के साथ इसको फिक्स कर लो, ये है पेपर भैया, ठीक है, एक पेपर है, ये प्लास्टिक है, और इस तरीके से एक हैंडल में जाके फिक्स कर लो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट अ पेपर क्लिप और अ हैंगिंग इन एयर, ठीक है। अब कह रहा है प्लेस अ मैग्नेट इन साइड द कप, ठीक है। अब इस कप के अंदर, यहाँ जो देखो ये कप लिए थे, कप लिए हैं भैया, कप के अंदर क्या कर दिए हैं, मैग्नेट्स को रख दिए हैं। प्लेस अ मैग्नेट इन साइड अ कप, एक कप के अंदर रख दिए मैग्नेट्स। कवर इट विद द पेपर, ठीक है, अब इसको जो है कवर कर दो पेपर से, ठीक है, कवर कर दिए। सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल, ऐसा ताकि जो मैग्नेट है वो विजिबल ना हो, देखने योग्य ना हो, हम लोगों को दिखाई ना पड़े, ठीक है। उसके बाद अटैच अ थ्रेड टू द क्लिप और मेड अ आयरन, मेड अप अ आयरन, ठीक है, एक क्लिप्स लो, ठीक है, एक रस्सी का क्लिप लो, ठीक है, उसको अटैच कर दो कैची से, रस्सी से, और फिक्स कर दो अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, ठीक है, और स्टैंड के अदर बेस पे क्या कर दो, फिक्स कर दो उसको, रस्सी को। यू ट्रिक इन्वॉल्व हेयर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशियंटली शॉर्ट, ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप, द क्लिप इज रेस्ट विदाउट द सपोर्ट लाइक द काइट, ठीक है। तो जब इस तरीके से करोगे, देखो भैया आराम से समझो, ठीक है, इतना लेंदी पेंदी नहीं, ठीक है, एक कप लेना है, ठीक है, कप लेना है, ठीक है, यहाँ से कोई सा भी चीज़ से तुमको एक स्टैंड ऐसे बना लेना है, और इसको क्या करना है, इस कप को ऐसे ऐसे यहाँ से फिक्स कर देना है ताकि ये कप हिले डुले ना, ऐसे ही रहे। इसमें तुमको क्या कर देना है, मैग्नेट को अंदर प्लेस कर देना है। जैसे ही मैग्नेट प्लेस करोगे, यहाँ पर पेपर, इसके ऊपर पेपर को ढक देना, ठीक है, और फिर नीचे में क्या करना, एक आयरन का कोई भी चीज़ को, सुई हुई कुछ भी चीज़ को यहाँ पर लाना, ठीक है। देखना कि यहाँ पर बिना कोई टच के ये चीज़ जो होगा वो थोड़े से देर के लिए ऐसा रहेगा, मतलब कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और अगर चिपका दोगे फिर इधर तो वो पूरा ऐसे ही अटक के लटका रह जाएगा, ठीक है। यही है एक्टिविटी नंबर वन में, ठीक है। उसके बाद 13.1 क्या रहा है, मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और नॉन मैग्नेट्स के मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैग्नेट्स क्या होते हैं, ठीक है, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोगों को एक एक्टिविटी पढ़ना पड़ेगा, एक्टिविटी नंबर टू, और इसी के माध्यम से हम लोगों को जानने के लिए मिलेगा मैग्नेट्स के बारे में और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। चलो लेट अस वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन, देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ अवर स्टेपेड स्टिक, ठीक है भैया। चलो हम लोग चलते हैं वहाँ पर स्टीफन के पास और देखते हैं क्या था उसके स्टिक के एक तरफ, क्या था, आयरन था, हाँ जी था। तो वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक, हम लोग जो है एक हॉकी स्टिक लेंगे और उसके एक तरफ में क्या करेंगे, मैग्नेट्स को अटैच करेंगे। वॉकिंग स्टिक्स और अ क्रिकेट विकेट्स विद अ टेप और अ सम ग्लू, ठीक है। तुम वॉकिंग स्टिक भी ले सकते हो, जो पकड़ के चलते हैं ना, जो सहारा बनता है, ठीक है, वो स्टिक भी ले सकते हो, हॉकी स्टिक भी ले सकते हो, या क्रिकेट का विकेट भी ले सकते हो, और उसके क्या करना है, टेप से क्या करना है या ग्लू से क्या करना है, उसमें थोड़ा सा मैग्नेट्स को चिपका लेना है। लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नेट वॉक, ठीक है। अब जिस तरीके से मैग्नेट चलता है उस तरीके से चलता है,
चलते हैं, ठीक है, थ्रू द स्कूल प्ले ग्राउंड। अब हम लोग प्ले ग्राउंड अपने कहाँ, तो मैग्नेट जहाँ चला था वहाँ तो नहीं चल सकते हैं, तो हम लोग को कहाँ चलना है, अपने स्कूल के प्ले ग्राउंड में चलना है, ठीक है। व्हाट डज अवर मैग्नेट स्टिक पिकअप, उसके बाद देखना है कि हम लोगों का जो मैग्नेट स्टिक था, जो मैग्नेट छड़ी था, वो क्या क्या पिकअप करता है, क्या क्या चुनता है, वो चीज़ को देखना है फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड से, ठीक है। तो व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम, तो कौन कौन से, तो बहुत सारे चीज़ उसको मिल जाएगा, आइटम्स के बहुत सारे ढेर चीज़, एकदम गुच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल करने का साधन होता तो हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाते वीडियो में, ठीक है, लेकिन नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम अगले चैप्टर्स नहीं वीडियोस में कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स वीडियो डालें, ठीक है। तो कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट डे टू डे, यूज़ फ्रॉम योर सराउंडिंग, ठीक है। डे प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन ढेर सारा तुम जो है ऑब्जेक्ट्स को वहाँ से कलेक्ट करो। उसके बाद टेस्ट करो विद द मैग्नेट स्टिक्स, और उसके मैग्नेट स्टिक पे टेस्ट करो। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दिस ऑब्जेक्ट विद द एंड एंड ऑब्जर्व विद द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि तुम चून करके भी ला सकते हो और टच करके भी देख सकते हो मैग्नेट से, ठीक है। उसके बाद तुम ऐसा करने के बाद एक टेबल बनाना, जब ढेर सारा सामान तुम जुटा लोगे तो उसके बाद टेबल बना लेना, टेबल इन योर नोटबुक, जैसा कि यहाँ 13.1 में टेबल दिखा रहा है, ठीक है। फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ठीक है, इस तरीके का टेबल बनाना और अपना ऑब्जर्वेशन, क्या क्या चीज़ लाए, कहाँ से लाए, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये चीज़ का टेबल तुमको बनाना है अपने नोटबुक में। लुक एट द लास्ट कॉलम, टेबल 13.1 के लास्ट कॉलम में देखो और नोट द ऑब्जेक्ट दैट आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, नाउ मेक अ लिस्ट। और इस तरीके से हमें क्या बनाना है भैया, लिस्ट बनाना है, तो मटेरियल जो कि ऑब्जेक्ट, मटेरियल फ्रॉम विच दिस ऑब्जेक्ट आर मेड, ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट के वो चीज़ बने हुए हैं उसका लिस्ट बनाना है। इज देयर एनी मटेरियल्स कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट, क्या कोई ऐसा मटेरियल है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट में कॉमन है, ठीक है, सब में आ रहा है वो चीज़, तो उस चीज़ का लिस्ट बनाना है। दैट वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जो चीज़ क्या हो रहा है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है, मैग्नेट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसको खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। वी अंडरस्टैंड दैट द मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। उसके बाद जब हम इस तरीके का प्रैक्टिकल्स करेंगे अपने स्कूल प्लेग्राउंड में, तो हम लोग देखेंगे कि जो कुछ जो चीज़ें हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं और कुछ जो चीज़ें हैं नहीं हो रहे हैं अट्रैक्ट, ठीक है। तो जो मटेरियल है, जो विच गेट द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक, ठीक है, तो वैसा मटेरियल जो मैग्नेट्स की ओर अट्रैक्ट करेगा, वैसा मटेरियल जो मैग्नेट्स की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक, ठीक है, उसे हम लोग मैग्नेटिक का नाम देंगे, उसे ही हम लोग मैग्नेटिक कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल्स में आयरन, निकल्स और कोबाल्ट, आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये एग्जाम्पल्स याद रखना, ठीक है। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स आर मैग्नेट, वैसा मटेरियल्स जो अपने तरफ उसको अट्रैक्ट ना करे, वैसा मटेरियल जो नहीं अट्रैक्ट करता हो अपने तरफ उसे क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक्स कहते हैं, ठीक है। वैसा मटेरियल जो अपने तरफ आकर्षित ना करे उसे क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी आर नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 3.1, ठीक है। तो तुम यहाँ से जब टेबल बना रहे थे, तुम प्रैक्टिकल जब कर रहे थे, तो उस अपने नोटबुक में जो टेबल बनाए हो उसमें से देखना कि कौन कौन सा चीज़ नहीं अट्रैक्ट हुआ, ठीक है, और उन सबका भी अलग से लिस्ट बनाना। इज अ सॉइल अ मैग्नेट और अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो सॉइल जो मिट्टी है वो क्या एक मैग्नेटिक चीज़ है या नॉन मैग्नेटिक चीज़ है। तो भैया सॉइल में कुछ चीज़ें हो सकती हैं मिले हुए मैग्नेटिक के चीज़, लेकिन सॉइल जो है वो मैग्नेटिक चीज़ नहीं है, ठीक है। देखो, मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ अ क्लॉथ, प्लास्टिक, अल्मोनियम, वुड, ग्लास, आयरन, एनी अदर, ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट स्टिक मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट या मैग्नेट स्टिक से अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आयरन बॉल, ठीक है, आयरन का बना होता है, ये अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से, हाँ जी हो रहा है। स्केल जो है क्या चीज़ का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, ये नहीं होगा अट्रैक्ट। शू जो है वो लेदर का बना होता है, तो लेदर जो है ये भी नहीं अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके का तुमको टेबल ढेर सारा बनाना है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब एक एक्टिविटी नंबर 3 क्या बताना चाह रहा है हम लोगों को वो देखते हैं, ठीक है। कहता है रब अ मैग्नेट इन सैंड और सॉइल, ठीक है, एक मैग्नेट लो, ठीक है, और सैंड या फिर सॉइल में उसको रब करो, ठीक है, घिस लो जितना हो सके घिस लो, ठीक है। उसके बाद पुल आउट द मैग्नेट, उसके बाद जब घिसड़ लिए तो उसको खींच दो, मैग्नेट्स को खींच दो।
आर देयर आर सम पार्टिकल्स ऑफ अ सैंड और अ सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट्स। तो देखोगे कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं सॉइल या फिर उसमें से कुछ जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होंगे, मैग्नेट्स में चिपके हुए मिलेंगे। ठीक है, नाउ जेंटली सेक द मैग्नेट्स टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ अ सैंड और सॉइल। अब धीरे धीरे क्या करना है तुमको, सेक करना मतलब हिलाव डुलाव करना है उस मैग्नेट्स का, और तो क्या होगा वहाँ से कुछ चीज़ें धीरे धीरे गिरेंगी। ठीक है, आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट, उसके बावजूद कुछ कुछ पार्टिकल्स और भी उसमें इंक्लूडेड रहेंगे, मतलब कि चिपके रहेंगे और कुछ तो गिर जाएंगे। ठीक है, दिस माइट बी अ स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, है जो चिपके हुए रहें वो ऐसा हो सकता है कि वो आयरन्स के पीसेस हों या आयरन पीलिंग्स हों पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल, जो कि सॉइल से लिए गए होंगे। ठीक है, तो सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और अ सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल्स दैट आर आयरन। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हमें यह पता चल जाएगा कि जो सॉइल या फिर जो सैंड है वहाँ पर कितना पार्टिकल्स जो है आयरन्स के हैं। ठीक है, तो ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, ये इस एक्टिविटी को अपने घर के पास करने की कोशिश करना, या तो फिर अपने स्कूल में और प्लेस जहाँ पर तुम रहते हो, ठीक है, या हॉलीडे में जहाँ जाते हो वहाँ पर भी करने की कोशिश करना। डज द मैग्नेट विद द आयरन पीलिंग स्टिकिंग टू इट, तो क्या जो है मैग्नेट जो है उसमें आयरन पीलिंग्स चिपके हुए रहते हैं या नहीं, जिस जो एक्टिविटी में बताया गया उसमें। ठीक है, लुक लाइक एनी वन ऑफ द दोज शोन इन फिगर 13.6। ठीक है, मेक अ टेबल ऑफ दैट यू फाइंड, उसके बाद एक टेबल बनाना है कि तुमने क्या क्या पाया। ठीक है, तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा केस हो सकता है, कहीं जाओगे तो कुछ ढेर सारा एकदम इतना सारा तुम्हें पे मैग्नेट में चिपका हुआ चीज मिलेगा, कहीं पर तुम रब करोगे तो कुछ इतना कम मिलेगा, और कहीं पर तुमको मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, कुछ ही नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर 95% चांस है कि तुमको ऐसा अगर प्रैक्टिकल करोगे तो ऐसा चीज़ मिलेगा। ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ मेडिकल्स के आयरन्स होते ही हैं। ठीक है, पहला क्या है, मैग्नेट है जो कि मेनी आयरन्स पीलिंग है। ठीक है, बहुत सारे आयरन्स के इसमें पीलिंग्स लगे हुए हैं, फ्यू आयरन्स पीलिंग है, कुछ ही हैं और उसमें कोई आयरन नहीं चिपका हुआ। ठीक है, तो मैग्नेट्स रब्ड इन अ सैंड हाउ मेनी आयरन स्पिनिंग। ठीक है, नेम ऑफ अ लोकेशन, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है भैया, जब प्रैक्टिकल करोगे तब भरना। ठीक है, नेम ऑफ अ लोकेशन, तुम कहाँ की हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे टाउन हो, सिटी हो, चाहे विलेज हो। ठीक है, तो डिड यू फाइंड आयरन पिलिंग स्टिकिंग द मैग्नेट मेनी या वेरी या नन। ठीक है, उसके बाद बताना है कि क्या तुम जो किए उसमें ढेर सारा मिला है, नहीं मिला है, या थोड़ा सा मिला है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट द पहेली एंड बूझो। ठीक है, उसके बाद इस टेबल को भर लोगे तो तुम भेज दो पहेली और बूझो के पास। दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन पिलिंग फाउंड द सॉइल फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दे कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन विथ यू। ठीक है, उसके बाद वो लोग कंपेयर करेंगे कि कंट्री के कौन कौन से पार्ट में कौन कितने आयरन पिलिंग कहाँ पर कैसे कैसे मिलते हैं। ठीक है, अब देखो मैग्नेट्स को देख लिए भैया, तो अब मैग्नेट्स के पोल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि मैग्नेट्स का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने वाले, तो हम लोग देखो, वी ऑब्जर्व दैट आयरन पीलिंग्स इफ़ दे आर प्रेजेंट। ठीक है, हम लोग क्या देखे कि आयरन पीलिंग हो रहा था, अगर यदि कहीं पर आयरन प्रेजेंट था तो वो क्या कर रहा था, मैग्नेट उसमें चिपका ले रहा था। ठीक है, और स्टिक टू द मैग्नेट रब इन द सॉइल, अगर हम लोग सॉइल में उसको घिसड़ रहे थे तो उसमें क्या था, आयरन पीलिंग हो रहा था। तो डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक द मैग्नेट, तो जिस वक्त तुम घिसड़ रहे थे मिट्टी में या सॉइल में कहीं पर भी, तो उस वक्त मैग्नेट में कुछ स्पेशल चीज देखा, बता रहा है तुम्हें से पूछ रहा है, कुछ स्पेशल चीज देखा। अब क्या स्पेशल चीज देखा वो किताब की तरफ से जवाब सुनो, और तुम क्या स्पेशल देखे ये कमेंट में करना। ठीक है, तो स्प्रेड सम आयरन पीलिंग ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर, कुछ जो आयरन के पीलिंग, आयरन के कुछ कुछ छोटे छोटे चीजें हैं जो बिखेर दो एक शीट ऑफ पेपर में। ठीक है, नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट, अब एक बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट इसको कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो मैग्नेट रहता है उसको बार मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, अब बार मैग्नेट को उस शीट पे रख दो, तो देखो कि क्या ऑब्जर्व होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, डू द आयरन पीलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट। ठीक है, तो देखोगे कि जो आयरन के पीलिंग थे, आयरन के जो पीलिंग थे वो क्या मैग्नेट्स में हर जगह चिपक रहे हैं, ऐसा देखने को मिलेगा, या डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन पीलिंग गेट अट्रैक्टेड द सेम सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट्स दैन अदर। ठीक है, फिगर 13.7 देख लो, रिमूव द आयरन स्टिकिंग एंड द मैग्नेट्स एंड रिपीट द एक्टिविटी। तो बोल रहा है कि ऐसा करना, क्या एक पेपर लेना भैया, आयरन पीलिंग इसमें बिखेर देना,
आयरन पिलिंग इसमें बिखेर देना, उसके बाद तुमको एक बार मैग्नेट इसमें प्लेस्ड कर देना है। तो उसके बाद देखो कि जो आयरन प्लेस्ड की हैं उसमें हर एक जगह पर एकदम इक्वल भाग में ये आयरन पिलिंग्स चिपक रहे हैं या सिर्फ कहीं पर ज़्यादा चिपक रहा है, किसी कोने में ज़्यादा चिपक रहा है, ये चीज़ तुमको एक्टिविटी करना है, ठीक है। अब एक बार कर लिए उसके बाद क्या करना है, सब कुछ को फिर से रिमूव कर देना है, वापस से हटा देना है सब कुछ को, और फिर से इस एक्टिविटी को दोहराना है, ठीक है। तो तुमको देखो ज़्यादातर क्या मिलेगा, ज़्यादातर क्या यही रिजल्ट ही मिलेगा कि जो दोनों हैं वो साइड साइड में ज़्यादा मिलेंगे और इधर बॉडी में कम मिलेगा चिपका हुआ, ठीक है। तो डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द पैटर्न विच द आयरन पीलिंग्स गेट अट्रैक्टेड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट। अब कह रहा है दोबारा जब तुम कोशिश कर रहे हो तो तुमको किसी भी पार्ट्स में कुछ अलग देखने को मिला, यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग अ पिंस और अ आयरन नेल्स इन अ प्लेस ऑफ अ आयरन पीलिंग। अगर तुम्हारे पास आयरन पीलिंग्स नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, आयरन नेल्स कांटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मैग्नेट्स ऑफ अ डिफरेंट शेप और अलग अलग डिफरेंट शेप्स के भी मैग्नेट्स ले सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन पीलिंग स्टिक टू द मैग्नेट्स, ठीक है। एक डायग्राम शो करो किस तरीके से जो है आयरन, जो है आयरन पीलिंग चिपक रहे हैं मैग्नेट से, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करो अपने नोटबुक में, ठीक है। इज ड्राइंग सिमिलर टू दैट ऑफ 13.A, तो क्या तुम्हारा जो ड्राइंग है वो 13.A के जैसा दिख रहा है, 13.6 का A कुछ इस तरीके से तुम्हारे दिख रहा है क्या ड्राइंग, दिख रहा है तो भाई बताओ। वी फाइंड दैट आयरन पीलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन, ठीक है। हम यहाँ से यह पाएंगे कि जो आयरन पीलिंग्स है वो अट्रैक्टेड, ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स द रीजन क्लोज टू द एंड ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है। जो एंड होगा, जो किनारा होगा, जो छोरा होगा बार मैग्नेट का, वहाँ पर आयरन पीलिंग होंगे वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेट टू बी अ, जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो सेट करते हैं, सेट टू बी, क्या लिखा हुआ है, सेट टू बी अ, एक मिनट क्या लिखा हुआ है यार, सेट टू बी अ नियर दिस एंड, ठीक है। तो जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के उसे क्या होते हैं, वो किनारे में, छोर में, बार मैग्नेट के छोर में होते हैं, किनारे में होते हैं, ठीक है। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ अ डिफरेंट शेप टू द क्लासरूम, कोशिश करो कि क्लासरूम में अलग अलग शेप के मैग्नेट्स लेकर के जाओ और चेक करो द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दिस मैग्नेट, ठीक है, यूजिंग आयरन पीलिंग। आयरन पीलिंग्स का वहाँ पर बिखेर करके इस तरीके से तुमको क्या करना है, पोल्स चेक करना है कि मैग्नेट्स का पोल्स किधर है, ठीक है। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ द पोल्स इज द काइंड ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। कैन यू मार्क, और उसके बाद तुमको लोकेशन मार्क करना है कि कौन सा पोल किस तरीके का मैग्नेट को दिखा रहा है, ठीक है, जो कि 13.4 में दिखा रहा था, क्या 13.4, वेयर इज 13.4, हाँ किस तरीके का मैग्नेट है, यहाँ से ये वाला, ठीक है, उनमें से कोई सा भी लेके चल जाना यार। चलो पहेली के पास कुछ दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है, देखते हैं। पहेली एज अ पजल फॉर यू, पहेली के पास तुम्हारे लिए कोई पजल है भाई, सॉल्व करो पजल। यू आर गिवन टू आइडेंटिकल बार विच लुक एज इफ दे माइट बी मेड अप आयरन, ठीक है। बार मैग्नेट दिया है तुम्हारे को दो, एक सिमिलर दिखने वाले, ठीक है, आइडेंटिकल्स बार, ठीक है। वन ऑफ देम इज अ मैग्नेट, एक जो है मैग्नेट है, वाइल अदर इज अ सिंपल आयरन बार, ठीक है। एक जो है मैग्नेट है, ठीक है, लेकिन एक जो है आयरन बार है सिर्फ। तो हाउ विल यू फाइंड आउट विच वन इज मैग्नेट, ठीक है। तो यह कैसे फाइंड कर पाओगे कि मैग्नेट है, तो भैया पजल एकदम आसान सा है। कह रहा है कि चलो एक बार लिए, ठीक है, आइडेंटिकल लिया, चलो मान के चलते हैं ऐसा ही आइडेंटिकल लिया, ठीक है, लिया, दोनों सेम है। बोल रहा है कि एक जो है वो मैग्नेट है, ठीक है, और एक जो है वो सिर्फ आयरन बार है, ठीक है। तो कुछ नहीं, हम लोग कुछ आयरन स्पीलिंग लाएंगे, आयरन स्पीलिंग्स लाएंगे या फिर नेल्स लाएंगे, एक आयरन वाले बार के पास लेकर जाएंगे, इसको छोड़ेंगे तो देखेंगे चिपक रहा है क्या, नहीं चिपक रहा है, तो फिर इस पर ट्राई करेंगे, चिपक रहा है क्या, हाँ तो चिपक रहा है भैया, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसे पता कर लेंगे कि ये मैग्नेट है, ठीक है, कोई भी आयरन का चीज़ ला करके, ठीक है। अब जो है 13.3, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंडिंग डायरेक्शन, ठीक है, किस चीज़ का भैया, डायरेक्शन पता करने वाले हैं, ठीक है। तो मैग्नेट्स वर नॉन टू बी अ पीपल्स फ्रॉम अ एंशियंट टाइम्स, ठीक है, मैग्नेट्स को लोग एंशियंट समय से, बहुत ही पहले से ये चीज़ को जान रहे हैं, ठीक है। तो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट वर ऑल्सो नॉन टू देम, तो बहुत सारे प्रॉपर्टी भी वो लोग जानते थे। यू माइट हैव हर्ड एनी मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट, और यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं हम तुमसे कि तुमने बहुत सारे मैग्नेट्स के प्रति कहानियाँ भी सुन चुके हो, मैग्नेट्स के मूवी भी देख चुके होगे। वन सच स्टोरी इज अबाउट द एम्परर इन चाइना नेम्ड होंग
टाई, ठीक है, एक एम्परर है, राजा रहा, ठीक है, शासक, ठीक है, चाइना का, जिसका नाम था होंग टाई, ठीक है, वो क्या बोलता है वो देखो, इट इज सेड दैट ही हैड अ चैरियट, ठीक है, चैरियट मतलब ये जो रथ यात्रा करता है वो सब, विथ अ स्टैच्यू ऑफ अ लेडी दैट अ कोल्ड रोटेट इन एनी डायरेक्शन, इट हैड एन एक्सटेंड आर्म एज इट हैज शोइंग द वे, फिगर 13.8 में देखो, तो इस तरीके का उसके पास एक रथ था, ठीक है, रथ पे एक लेडी बनी हुई थी, ठीक है, और लेडी का जो एक हाथ था वो इस तरीके से था, ठीक है, तो ये जो है डायरेक्शन दिखाती थी, ठीक है, अब कैसे दिखाती थी वो चीज़ को देखो भैया, ठीक है, तो द स्टैच्यू हैड अ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, तो वो स्टैच्यू के पास एक बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी था, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी था, मज़ेदार इंटरेस्टिंग गुण था, क्या गुण था, इट वुड रेस्ट इन अ सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द साउथ, तो जो उसका एक्सटेंडेड जो आर्म है, जो ये आर्म है, ये हमेशा किस चीज किस डायरेक्शन को दिखाता था, साउथ डायरेक्शन को दिखाता था, ठीक है, बाय लुकिंग इट द एक्सटेंड आर्म ऑफ द स्टैच्यू द एम्परर वॉज एबल टू लोकेट द डायरेक्शन वेन ही वेंट टू द न्यू प्लेस ऑफ चैरियट, ठीक है, तो वो अपने रथ से जब भी कहीं जा रहा होता है तो उस माध्यम से पता कर पाता था कि हम किस डायरेक्शन में किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, अब एक दिशा पता चल गया तो बाकी का दिशा भी तो पता चल जाएगा ना, तो चैरियट डायरेक्शन फाइंडिंग स्टेचर, लेट अस मेक अ सच डायरेक्शन फाइंडर आवरसेल्फ, तो चलो हम लोग कुछ अपने से डायरेक्शन फाइंडर का पता करते हैं, ठीक है, कहता है कैसे पता करेंगे, चलो देखते हैं कैसे पता करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, कहता है कि एक बार मैग्नेट लो, बार मैग्नेट ले लिए, पुट अ मार्क ऑन द वन ऑफ एड्स एंड एन आइडेंटिफिकेशन, क्या कहता है कि एक मार्क लगाओ, ठीक है, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड, ठीक है, किसी भी कोने उसका कोई दोनों में से में कोई भी एंड्स में एक मार्क लगाओ आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, अब उसको बांध दो एक थ्रेड से, ठीक है, एक थ्रेड से बांध दो मिडिल ऑफ द मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के मिडिल में थ्रेड से बांध दो, सो दैट यू मे सस्पेंडेड इट फ्रॉम द वुडन स्टैंड, ताकि तुम वुडन स्टैंड से, यहाँ पर देख रहे हो ये वुडन स्टैंड है, यहाँ से एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के बीच में बांध दिया है और तुमको इस तरीके से लटकाना है, इसलिए तुमको रस्सी से बांधने बोल रहा है, ठीक है, 13.9 में लोग देख ली, मेक श्योर दैट द मैग्नेट्स कैन रोटेट फ्रीली, ये ध्यान रहे कि मैग्नेट जो है फ्रीली एकदम रोटेट कर सके रहा है, ठीक है, इतना टाइट नहीं कर देना, लेट इट कम्स टू द रेस्ट, ठीक है, और उसको ध्यान एकदम रेस्ट में आने दो तब तक, ठीक है, वेट करो, मार्क टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड, ठीक है, दो पोजीशन को एंड मतलब कि जो उसका पोजीशन दिखा रहा है मार्क कर दो ग्राउंड पे कि कहाँ पर उसका पोजीशन दिख रहा है, ठीक है, मैग्नेट वेट कम्स टू रेस्ट, ठीक है, जब मैग्नेट रेस्ट पे आ रहा है तब, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज सेम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ड्रॉ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू पॉइंट्स, ठीक है, अब जो दो पॉइंट्स को तुम मार्क किए हो दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो वो जो लाइन दिखाएगा दोस्त लाइन शो द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ अ रेस्ट, ठीक है, तो क्या बता रहा है कि जो लाइन तुम दिख रहा है और उसको जो ज्वाइन करोगे वो दिखाएगा शो करेगा डायरेक्शन कि किस इन विच मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ द रेस्ट, अपने रेस्ट में जब वो रेस्ट में रहता है तो किस पोजिशन को दिखा रहा है, ठीक है, तो नाउ रोटेट द मैग्नेट बाई जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड फिट इट कम्स टू द रेस्ट, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर जब रेस्ट में आ गया है दो पॉइंट को तुमको मार्क कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद ज्वाइन कर देना है, उसके बाद फिर जेंटली हल्का सा पुश कर देना है मैग्नेट को, उसके बाद फिर वेट करना है कब तक रेस्ट में आता है, ठीक है, अगेन मार्क द पोजिशन ऑफ द टू एंड्स इन द पोजिशन ऑफ द रेस्ट, फिर से तुमको दो मार्क लगाना है पोजिशन, अगर फिर से जब रेस्ट में आ रहा है तो डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो अब तुमसे पूछ रहा है क्या जो वो मैग्नेट है वो दूसरे डायरेक्शन पे है क्या, दूसरे डायरेक्शन पे दिखा रहा है क्या, देखो ये डंडा लिए यहाँ पर लिए यहाँ से बांध दिए, ठीक है, इसको रेस्ट पे आने पर दे रहा है तो पहला पोजिशन हम यहाँ लगाएं, ठीक है, कि यहाँ पर था भैया, फिर यहाँ पर था रेस्ट में आया, फिर हम इसको धीरे से पुश कर दिए, फिर उसको रेस्ट में आने के लिए दिए, तो फिर से ये हमेशा यही ना दिखाएगा, दूसरा जगह थोड़ी दिखा देगा, तो वो हमेशा एक ही जगह पर शो करेगा, ठीक है, तो रोटेट द मैग्नेट्स इन अदर डायरेक्शन एंड रोटेट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट्स कम टू द रेस्ट, फिर किसी भी डायरेक्शन में कर लो तो वो तुमको फिर घूर फिर के वहीं आएगा, ठीक है, तो डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या तुम पा रहे हो, अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो अच्छा से समझ पाओगे कि क्या तुम जो मैग्नेट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रेस्ट पे करता है, तो हाँ जी एक ही डायरेक्शन में करता है, नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैच्यू इन द एम्परर्स चैरियट, ठीक है, तो अब मिस्ट्री समझ में आया क्या रहस्य था उस के गुड़िया से उसका जो चैरियट में जो स्टैच्यू लगा हुआ था जो औरत का, ठीक है,
तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन को दिखाती है, ठीक है। उसका हाथ जो था, आर्म था, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन को दिखाते थे, जिससे वो जो चाइना का तो जो था एम्परर था उसको आसानी होता था किसी भी डायरेक्शन को पता करने में, ठीक है। अब कह रहा है रिपीट दिस एक्टिविटी विथ एन आयरन बार्स एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को आयरन बार और प्लास्टिक या फिर वुडन स्केल या मैग्नेट से कर दो, ठीक है। डू नॉट यूज द लाइट ऑब्जेक्ट, हल्का ऑब्जेक्ट नहीं लेना, ठीक है, दिस एक्टिविटी के लिए। और अवॉइड डूइंग इट वेयर अ करेंट ऑफ एयर, ठीक है, और जहाँ पर हवा नहीं चल रहा हो वहाँ पर करने का कोशिश करना। डू द अदर मटेरियल ऑल्सो ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, उसका देखो कि क्या वो भी चीज़ एक ही डायरेक्शन पे हमेशा आ रहा है, तो जी नहीं नहीं आएगा, हमेशा कभी अलग आगे पीछे आ जाएगा, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। वी फाइंड दैट द फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विच इज नॉट, ठीक है। तो जो कि मैग्नेट होगा, जो मैग्नेट का अगर हम लोग करेंगे, जो फ्रीली सस्पेंडेड होगा एकदम जिस तरीके से हम लोग वहाँ पर बार मैग्नेट को चिपका दिए थे, उस तरीके से लटकाए थे, उस तरीके से ये क्या होगा, बार मैग्नेट जो हमेशा हम लोग फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाएगा, मतलब कि एक खास डायरेक्शन को दिखाएगा, और वो डायरेक्शन क्या होगा भैया, नॉर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही दिखाएगा। तो यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स द ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके तरफ से अगर नॉर्थ और साउथ पता चल गया तो ईस्ट भी ड्रॉ कर दो, ठीक है। इफ़ यू स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी द नॉर्थ, ठीक है। अगर यदि तुम ईस्ट के तरफ फेस करके खड़े हो, ठीक है, तो तुम्हारा जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा भैया, तुम्हारा नॉर्थ हो जाएगा। तो यूजिंग द सन फॉर द फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट, ठीक है। तो अगर सन से अगर हम लोग डायरेक्शन पता कर रहे थे तो वो भी पूरा एग्जैक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ, लेकिन ये नॉर्थ और साउथ को बताने में थोड़ा सा मददगार होता था, ठीक है, हमारे लाइन में। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एंड द विच पॉइंट इज द साउथ, ठीक है। उसके बाद इस मैग्नेट से क्या बोल रहा है, नॉर्थ फ्रॉम द, अब कह रहा है यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट, ठीक है, इसके मदद से तुम फिगर आउट कर दो कि कौन सा डायरेक्शन तुम्हारा नॉर्थ की ओर पॉइंट्स कर रहा है और कौन सा साउथ की ओर कर रहा है, ठीक है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग, ठीक है। कह रहा है कि जो मैग्नेट नॉर्थ की ओर दिखा रहा है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं नॉर्थ सीकिंग, ठीक है। जो एंड ऑफ द मैग्नेट्स है जो पॉइंट्स कर रहा है डायरेक्शन को किसके तरफ, तो नॉर्थ की तरफ, उसे हम क्या कह रहे हैं, नॉर्थ सीकिंग कह रहे हैं, ठीक है। और एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग, और जो दूसरा छोर है जो साउथ की ओर दिखा रहा है उसे हम साउथ सीकिंग कहते हैं एंड, ठीक है। और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ऑल द मैग्नेट हैव द टू पोल्स, जितने भी मैग्नेट्स हैं उन सबके पास दो पोल्स होते हैं, देयर शेप्स मे बी यूजुअली, ठीक है, उन किसी भी शेप के हों उन सभी के पास हमेशा दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसको हम लोग डोनेट करते हैं कैपिटल एन से और साउथ पोल को कैपिटल एस से, ठीक है। मार्क ऑन द मैग्नेट, जो कि मार्क होता है हर एक मैग्नेट में, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस, ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट का भैया हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। फोर सेंचुरी ट्रैवलर्स जो हैं, बहुत ही सालों से क्या है, जो ट्रैवलर्स जो हैं जो ट्रैवल्स करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, जो पहले के समय में, हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन, तो इसी प्रॉपर्टी के माध्यम से वो लोग दिशा का पता लगा पाते थे, ठीक है, डायरेक्शन का पता लगा पाते थे। इट इज सेड दैट इन द ओल्डन डेज, ये कहा जाता था कि पुराने दिनों में कि ट्रैवलर जो है वो यूज करते थे डायरेक्शन को पता करने के लिए इस नेचुरली मैग्नेट से, जो सस्पेंडेड कहता है, जो कि थ्रेड से भी हम लोग बनाए थे, उस तरीके का मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्शन का पता कर पाते थे, ठीक है, जो कि हमेशा वो लोग अपने पास लेकर के चलते थे, विच दे ऑलवेज कैरीड विद देम, जैसे कि घड़ी लेकर चलते हैं, अभी मोबाइल आ गया, मोबाइल में नेविगेशन आ गया है, ठीक है, लेकिन पहले वो लोग चलते थे ये सब लेके, ठीक है। लेटर ऑन एक डिवाइस डेवलप्ड हुआ इसी प्रॉपर्टी से बेस्ड, ठीक है, मैग्नेट के प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक डिवाइस को डेवलप किया गया, जिसे हम लोग कंपास के नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज अ कंपास। कंपास क्या करता है भैया, एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें ग्लास का कवर होता है और एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होता है, एक साइड में क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड नीडल होता है जो कि फाइडेट होता है, एकदम नीडल में थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे होगा, यहाँ पर मैग्नेट होता है इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फेयरली, ठीक है, पूरी तरह से फेयरली रोटेट करता है, जो कि फिगर 10.4 में देख लो, यहाँ पर एक ये है नीडल है, ठीक है, और इसके यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है। द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल, ठीक है, कंपास के हम लोग कह सकते हैं कि उसके पास क्या है भैया, डायल है, घड़ी का जो डायल होता है ना उस तरीके से डायल है, विद द डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, उसके बाद उसमें क्या लगा, डायरेक्शन लिखा है। द कंपास इज
एस्केप्ड एट द प्लेस वेयर द विश टू नो द डायरेक्शन का, जहाँ पर हम लोग को दिशा जानना होता था वहाँ पर क्या करते थे, उस कंपास को रख देते थे, फिर वह दिशा बता देता था। इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसका जो नीडल है वो किस चीज़ को दिखाता था, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन को दिखा देता था, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब वो रेस्ट पे आता था, द कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड द साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर द टू एंड्स ऑफ द नीडल, ठीक है। जो दो नीडल्स हैं वो हमेशा किस चीज़ को दिखा रहे हैं, तो नॉर्थ और साउथ को दिखाते हैं, ठीक है। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट नीडल इट इज़ यूजफुली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर, ठीक है। तो अगर हमको नॉर्थ पोल का पता करना है तो नॉर्थ पोल का जो होगा मैग्नेट्स का, वो हमेशा क्या होगा, दूसरे कलर से उसको दिखाया जाता था, ठीक है। मेक योर ओन मैग्नेट, ठीक है। अब खुद का मैग्नेट देखो कैसे बनता है। देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स, बहुत सारे तरीका है भैया मैग्नेट्स बनाने के, लेट अस लर्न सिंपलेस्ट वन, चलो एक साधारण सा कोई सीखते हैं। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, कोई रेक्टेंगुलर पीस ले लो, आयरन का मतलब कि एक इस तरीके का आयरन का पीस ले लो, ठीक है। प्लेस इन द टेबल, टेबल पे रख दो। नाउ टेक अ बार मैग्नेट, अब एक बार मैग्नेट लो और प्लेस कर दो वन ऑफ इट्स पोल, ठीक है, नियर वन एज ऑफ द बार आयरन, इधर एक एज पे, ठीक है, हम ये लिए और इधर हम प्लेस कर दिए, ठीक है, ये मैग्नेट है इसके पास में कर दिए, इस तरीके से प्लेस करने बोल रहा है, ठीक है, कर दिए। मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन वायर टिल यू रीच द अदर एंड, ठीक है। उसके बाद इसको मूव कर दो इसके तरफ, ठीक है, तब तक के जब तक कि इसका दूसरा एंड यहाँ तक ना पहुँच जाए, ठीक है, कर दिए, कर दिए भैया। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, द सेम पोल यू स्टार्टेड विथ, ठीक है, और उसके बाद उसको उठा लो टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच द बिगन, जहाँ से चालू किए तो वहीं से फिर उसको वापस खींच के उठाओ। मूव द मैग्नेट्स अगेन अलोंग द आयरन, ठीक है, मूव द मैग्नेट, ठीक है, मूव करो मैग्नेट को, ठीक है, किसके, आयरन बार पे, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन जैसा कि तुमने पहले किया था। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम, ठीक है, 30 to 40 बार उस पर उसी तरीके से करो। तो ब्रिंग अ पिन ऑफ अ सम आयरन पिलिंग नियर द आयरन बार टू द चेक वेदर इट हैज बिकम अ मैग्नेट, इफ नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर द सम, ठीक है, फॉर सम मोर टाइम। रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट्स एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज, यू कैन ऑल्सो यूज आयरन नेल्स, अ नीडल और अ ब्लेड और अ कन्वर्ट देम टू इनटू अ मैग्नेट, यू कैन नाउ हाउ टू मेक अ मैग्नेट, वुड यू लाइक टू द मेक योर ओन कंपास, ठीक है, इस तरीके से तुम अपना कंपास बना सकते हो। करना कुछ नहीं है भैया, आयरन का रोड लिए, ठीक है, आयरन का रोड लिए, उसके बाद एक मैग्नेट लिए, बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट को पूरा इस तरीके से इस पर रब करो 30 to 40 बार और बहुत बार करो, जितना हो सके उतना बार करो, ठीक है। उसके बाद फिर एक समय के बाद इसको हटा दो और सिर्फ क्या रखो, आयरन का रॉड रख दो, आयरन बार रख दो, ठीक है। अब इसमें कोई सा भी चीज़ आयरन का चीज़ ला करके देखो तो ये देखो ना, इसमें चिपकने लगेगा खुद, क्योंकि इसका गुण अब इसमें आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत समय तक उसमें वक्त बिताया, ठीक है, तो इस तरीके से उसका गुण उसमें आ जाएगा और वो भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब 13.5 जो कि एक क्या है, अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट, ठीक है। अब दो मैग्नेट के बीच में क्या होता है भैया, अट्रैक्शन होता है, दूर भागता है, ठीक है, और रिपल्सन होता है, ठीक है। अट्रैक्शन कि एक तो नॉर्थ और साउथ पोल रहता है तो अट्रैक्ट कर जाता है, और वही कहीं नॉर्थ और नॉर्थ पोल रह गया तो भैया ये भी इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, साउथ पोल रहा तो ये भी इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ रहा तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्यों होगा ये देखो, लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद द मैग्नेट, चलो एक और गेम खेलते हैं मैग्नेट से साथ। दो स्मॉल टॉय कार्स लेना है, लेबल करना है उनमें नाम ए और बी, ठीक है, दो खिलौने का कार लेना है, गाड़ी लेना है, उसमें नाम लिख दो ए और बी। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड पिक देम विद अ रबर बैंड, ठीक है। गाड़ी लो, गाड़ी के ऊपर मैग्नेट्स लो, देखो गाड़ी है ए बी सी और डी, इसके ऊपर क्या रख दो, मैग्नेट्स रखो, और मैग्नेट से फिर इसमें रबर बैंड से इसको टाइट कर दो ताकि हिले डुले ना, ठीक है। डू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, देखो अब यहाँ जो है ये जो दिख रहा है नीला और लाल, ये तो अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों लाल लाल दिख रहा है तो ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इन अ कार ए कीप्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द प्लेस मैग्नेट अपोजिट इन द बी एंड द प्लेस द टू कार्स इन अदर, ठीक है, ये बेकार है।
लेकर देखना, ठीक है, करके देखना भैया, गाड़ी लेना, गाड़ी में ऐसे बांध के देखना। तो बस यही बता दिए कि ठीक है, अगर नॉर्थ और नॉर्थ रहा, एक ही डायरेक्ट, एक ही पोल्स रहें तो वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, और अलग अलग रहेंगे नॉर्थ और साउथ तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो गाड़ी है आपस में भिड़ जाएगा, ठीक है, ये जो गाड़ी है आपस में भिड़ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, भिड़ जाएगा मतलब कि एक दूसरे से टकरा जाएगा, लेकिन ये गाड़ी नहीं टकराएगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी नॉर्थ पोल है, इसका भी नॉर्थ पोल है, या साउथ पोल है तो इसका भी साउथ पोल है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा रिपेल करेगा, ठीक है। यही था उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। कह रहा पोजिशन ऑफ द कार और हाउ डज द कार मूव्स ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द ईच ऑफ द मूवेड, फ्रंट ऑफ अ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ अ कार बी, ठीक है, रियर ऑफ अ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ बी, कार ए प्लेस्ड बिहाइंड कार बी, रियर ऑफ अ प्लेस, मतलब कि जो समझाएं कि जैसे भागेगा वो समझ में आ गया ना भैया? हाँ आ गया, तो बढ़िया बढ़िया। अब देखो क्या बोल रहा है, फ्यू थाउजेंड, कुछ ध्यान देने वाली बात है भैया, सावधानी बरतने वाली। मैग्नेट टूल्स देयर प्रॉपर्टी, मैग्नेट लूजेस देयर प्रॉपर्टी, मैग्नेट जो है अपना गुण को खो देता है, ठीक है, मैग्नेट अपना गुण खो देगा, कब खो देगा, देखो, इफ दे आर हीटेड हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम द सम हाइट, ठीक है, अगर यदि उसको जलाया जाए, ठीक है, अगर यदि उसमें हथौड़ा से वार किया जाए या फिर उसको किसी डिस्टेंस से फेंक दिया जाए तो मैग्नेट क्या होगा, अपना प्रॉपर्टी को खो देगा। ऑल्सो मैग्नेट बिकम अ वीक, इसके साथ साथ मैग्नेट जो है वो वीक वीक भी हो जाएगा, कमजोर भी हो जाएगा, इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर यदि उसे अच्छे से प्रॉपर नहीं स्टोर किया गया तो, ठीक है, टू कीप देम सेफ, उसे ध्यान से अच्छा से रखने के लिए, बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन अ पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स, ठीक है, तो इसको ध्यान से रखने के लिए जो बार मैग्नेट्स हैं वो अनलाइक पोल्स, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से हम लोगों को रखना पड़ेगा, ठीक है, रखना होता है, सेम साइड्स नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई द पीस ऑफ अ वुडन वाइल टू पीसेस ऑफ अ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स, ठीक है, वहाँ पर क्या बोल रहा है, वुडन का कोई भी चीज़ भी रख देना भैया, सॉफ्ट चीज़, ताकि वो दोनों आपस में ना टकराएं, ठीक है, इससे भी सेफ रखे। फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल, ठीक है, कीप द मैग्नेट्स अवे फ्रॉम द कैसेट्स, ठीक है, मैग्नेट्स को कहाँ से भैया, कैसेट से दूर रखने बोलता है, मोबाइल से दूर रखने बोलता है, टेलीविजन से दूर रखने बोलता है, म्यूजिक सिस्टम जो होता है उससे दूर रखने बोलता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है, सीडीज जो होते हैं उससे, और कंप्यूटर से सबसे मैग्नेट को क्या करने बोलता है, दूर रखने बोलता है। अगर नहीं मजाक लग रहा है तो जाना मैग्नेट लेके टीवी के करीब जाना, टीवी का देखना पूरा कलर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, पूरा कलर ही चेंज होगा, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, तो इस तरीके से नहीं करना, तो धुनाइया भी होगा घर से पापा मम्मी से, ठीक है, तो उस तरीके से होता है। तो कंपास क्या भैया, डायरेक्शन दिखाता है, कुछ इस तरीके से होता है, फ्रीली सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, इसमें नीडल्स होता है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाते रहता है, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, वैसा प्रॉपर्टी जो किसी भी आयरन सब्सटेंस को, वैसा प्रॉपर्टी जो किसी भी आयरन सब्सटेंस को, आयरन मटेरियल्स को अपने आप में अट्रैक्ट करता हो, चिपकाता हो, उसे ही मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेटाइट्स क्या होता है भैया, जो पहले पत्थर मिले थे ना, स्टोन मिले थे, उसे ही मैग्नेटाइट्स कहता है, उसमें क्योंकि प्रॉपर्टीज जो था, गुण था इस चीज का मैग्नेट का। नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, मैग्नेट्स के अगर हम बार मैग्नेट लेते हैं या कोई भी मैग्नेट लेते हैं, तो ये जो अगर बार मैग्नेट का हम एग्जांपल लिए, तो एक पोल इसका नॉर्थ होता है, एक पोल उसका साउथ होता है, मतलब कि जो एंड होता है उसे ही पोल कहा जा रहा है, ठीक है, जो छोर होता है उसको एंड को क्या कहा जा रहा है, पोल कहा जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं समरी, समरी देखो क्या, मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है, मैग्नेटाइट क्या है, एक नेचुरल मैग्नेट है, पत्थर से मिला है, ठीक है। मैग्नेटाइट मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है मटेरियल्स को, जैसे कि आयरन्स, निकल्स और कोबाल्ट को, ये सारे के सारे जो लोग अट्रैक्ट करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। मटेरियल्स वैसे जो अट्रैक्ट नहीं करते हैं, दैट आर नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट, उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। ईच मैग्नेट, हर एक मैग्नेट के पास दो पोल्स होता है, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। एक फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर कोई भी फ्रीली मैग्नेट को छोड़ दे, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट हो या कोई भी मैग्नेट हो, तो हमेशा किस डायरेक्शन को दिखाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है, क्लियर है। अपोजिट पोल्स ऑफ अ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर वेयर द सिमिलर पोल्स रिपेल्स ऑन वन अदर, जो अपोजिट पोल होते हैं, नॉर्थ 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 साउथ होते हैं, तो ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, और अगर नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ होंगे तो हमेशा क्या करेंगे भैया, रिपेल्स करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का ये भी चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाई टाई बाय बाय।